स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट नॉलेज इज पावर। दिस इज आवर चैप्टर 12। ये हम सभी जानते हैं कि नॉलेज में एक शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, ताकत होती है। जो ज्ञान होता है उसमें बहुत ताकत होती है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय साइन गेस्चर और बाय ड्राइंग सिंबल्स एंड पिक्चर्स। हम जानते हैं कि पहले समय में इंसान केवल साउंड निकालना जानता था, वो ये नहीं जानता था कि मुझे अपनी कोई फीलिंग किसी से शेयर करनी है तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ एक दूसरे के साथ में। तो वो क्या करता था, स्टार्टिंग में साइंस किसी भी तरह के पिक्चर्स बनाती, डिज़ाइन बना दिया, कोई लाइन खींच दी, कोई पिक्चर ड्रॉ कर दी। इस तरह से वह अपने जो फीलिंग्स थी, जो अपने विचार थे, वो एक दूसरे तक पहुंचाते थे। समटाइम क्या होता था कि जब वो अपने जो व्यूज़ थे, अपने आइडियाज़ थे, एक दूसरे से शेयर करते थे, उस समय वह साउंड भी निकालते थे। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कुछ कबीले के लोग होते हैं, वो हु इस तरह से साउंड निकालते हैं, या कुछ भी अलग टाइप की साउंड भी निकालते हैं, एक दूसरे तक पहुँचा देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने आपने पिक्चरों में देखा होगा कि एक फैमिली, एक कबीले के लोग रहते हैं पहाड़ के इस साइड और दूसरे कबीले के लोग रहते हैं पहाड़ के उस साइड, तो वो क्या करते थे, ड्रम नगाड़े वगैरह बजाते थे और उनके थ्रू साउंड बजा के, साउंड्स के थ्रू वो अपने मैसेजेस अपने उन जो पहाड़ के दूसरी साइड रहते थे उन तक भेजते थे। कभी कभार क्या करते थे, आग लगाते थे, धुएँ की डिज़ाइन से वो लोग पता कर लेते थे कि वहाँ पर खतरा है या वह हमें बुला रहा है या किसी टाइप का कोई मैसेज है। इस टाइप से एक दूसरे को मैसेजेस वो कन्वे करते थे। सम ऑफ दीज साउंड हैव स्पेशल मीनिंग एंड वर्ड्स। कुछ तो उसमें स्पेशल मीनिंग्स होते थे और कुछ के वर्ड्स भी होते थे। एंड इन दिस वे द लैंग्वेज डेवलप ग्रेजुअली। पीपल वर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू स्पोकन वर्ड्स। इससे क्या हुआ कि लोग अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने में विभिन्न प्रकार के साउंड का यूज़ करने लगे। उन साउंड में उन्होंने कुछ का एक स्पेशल लैंग्वेज ही बना ली और स्पेशल कोई स्पेसिफिक वर्ड्स और कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स उनके बनते चले गए। सपोज़ कि उसे किसी व्यक्ति को, अपने सामने वाले व्यक्ति को ये समझाना होता था कि मुझे भूख लग रही है, तो उसमें उस समय पे ना तो माँ शब्द, ना झा शब्द वर्ड, इन सब वर्ड का, वर्णों का कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, कोई खोज नहीं हुई थी कि वो इन शब्दों को बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने धीमे धीमे करके इन शब्दों की खोज की। किसी को भूख लगते समय उसके मुँह से अनायास ही निकला होगा भूख, तो उस शब्द को भूख के रूप में शामिल कर लिया गया। लेकिन समस्या यह आई अब आगे कि उसने यह बता दिया, चार लोगों को बता दिया कि मुझे भूख लग रही है, तो भूख लगते समय मैं इस शब्द को बोलूँगा, चार लोगों ने समझ लिया। लेकिन जब बहुत सारे लोगों तक इस वर्ड को पहुँचाना नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि उन चार लोगों ने और चार लोगों को पहुँचाया, उसमें चेंजेस आ गए, उन्होंने और चार लोगों को पहुँचाया, उसमें चेंजेस आ गए। इसके वजह से जैसे जैसे इसमें समस्याएँ आती गईं तो राइटिंग की स्क्रिप्ट का भी इन्वेंशन हुआ, कि राइटिंग की जो मेथड था उसका इन्वेंशन हुआ। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होती है हमारी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुनते हैं फिल्म की स्क्रिप्ट, ये वो वाली स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि ये अलग स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में इसमें मतलब क्या है कि अर्लियर मैन यूज टू एक्सचेंज हिज व्यूज थ्रू थॉट्स ओनली वर्बली, बट एज हिज अवेयरनेस एंड नॉलेज इंक्रीज इट बिकम डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी थिंग। मैनी पेंटिंग हैव बीन फाउंड ऑन केव वॉल फ्रांस स्पेन एंड इंडिया ओवर टाइम। सिम्बल्स वर यूज टू रिप्रेजेंट वर्ड एंड साउंड। द डेवलपमेंट ऑन साउंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। लिखने की जो कला है वह स्क्रिप्ट कहलाती है। ऑल लैंग्वेजेज आर रिटेन इन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। जिस भी चीज़ को लिखने की जो कला होती है वह उसकी स्क्रिप्ट कहलाती है। द अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट वॉज डिवाइज बाय सुमेरियन इन मेसोपोटामिया अराउंड 4000 BC। दे रोट अ क्ले ऑन क्ले टैबलेट्स। वो क्या करते थे, क्ले मिट्टी की एक टैबलेट यानी स्लेट टाइप से होती थी, उस पर क्या करते थे, नाइफ जैसे जैसे ये शार्प है इससे ये इस तरह से उसको खोद खोद के खोद खोद कर उस पर लिखते थे।
Their writing was V-shaped and was called cuneiform. ये जो उनके लिखने की जो कला है वह कहलाई कीलाकृति, कीलाकार कह सकते हैं इसे, या कीलाकृति यानी कि उकेर उकेर कर शब्दों को बनाया गया। इसके लिए वो क्या करते थे, हड्डियों को नुकीला कर लेते थे, उनसे लिखते थे, या पेड़ों की जो ब्रांचेज होती हैं, ट्री के ब्रांचेज होती हैं, उन्हें काट के नुकीला नुकीला कर लेते थे और लिखते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी तरह से अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इजिप्शियन डेवलप अ लैंग्वेज हाइरोग्लाइफिक्स विच हैज़ द पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। इसमें क्या था, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो इजिप्शियन थे, इजिप्शियन ने एक लैंग्वेज का आविष्कार किया, क्योंकि कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उन्हें आवश्यकता पड़ी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, उन्होंने इस तरह की एक लैंग्वेज का आविष्कार किया। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डिज़ाइंस बनी हुई हैं, जिन्हें कि इसमें कुछ पिक्चर्स भी हैं, तो उसके आधार पर एक दूसरे से वो विचारों का आदान प्रदान करते थे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, जैसे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसमें क्या है, ये आपको जो डिज़ाइन दिख रही है, ये इसमें ए को इस तरह से बनाया जाता था, बी को इस तरह से और सी को इस तरह से। तो इस तरह से वो अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए ए बी सी इस तरह से पिक्चर्स में वो बनाते रहते थे, इसे हेरोग्लाइफिक्स कहते थे। दे यूज्ड क्ले टैबलेट, इसके लिए वह एक मिट्टी की स्लेट या मिट्टी का टैबलेट, टैबलेट से मीन्स है कोई भी एक टुकड़ा ले लो मिट्टी का जो कि फ्लैट हो, उस पर लिखते थे, या जो दीवारें होती थी उसकी गुफाओं की, क्योंकि गुफाओं में रहता था अर्लियर में स्टार्टिंग में इंसान, तो वहाँ पर उसको यूज़ करते थे। द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव सम ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट एनग्रेव्ड ऑफ देम। आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो सभ्यता है हमारी, वहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट मिली हैं जो कि वहाँ पर एंग्रेव थी। दे यूज ए पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल दैट रिजेंबल ए स्टाइलस, वे एक प्रकार के पेन टाइप से यूज़ करते थे, पेन होता था, स्टाइलस मीन्स पेन होता था, इसमें वो उसको, वो किसी भी धातु का हो सकता था, उसको वो लेते थे और उससे खोद खोद के पिक्चर्स बनाते थे दीवारों पर गुफाओं की, और स्टोन भी ले लेते थे, स्टोन से क्ले टैबलेट्स लेते थे, उस पर भी बनाते थे। क्या क्या यूज़ करते थे, गुफाओं की दीवारों पर, चाहे तो वो हड्डियों का पेन बना लेते थे घिसकर उन्हें नुकीला बना के, या पेड़ों की शाखाओं को बना लेते थे और उनसे पेन टाइप से बना लेते थे, उससे गुफाओं की दीवारों पर यूज़ करते थे, या मिट्टी की स्लेट बना लेते थे उस पर लिखते थे। द ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज डिस्कवर्ड लेटर ऑन, इसके बाद ब्रह्मी लिपि है उसका, ब्राह्मी का इन्वेंशन डिस्कवरी हुई। नाउडेज देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर राइटिंग हिंदी, हम जानते हैं हिंदी को लिखने में देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ होता है, एंड मैनी इंडियन लैंग्वेज, और भी बहुत सारी हिंदी की भाषाएँ हैं इंडिया की जिनमें कि देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। आप जानते हैं वो कौन कौन सी भाषाएँ हैं, जैसे गुजराती है, गुजराती भी इसमें ही लिखी हुई है, और भी बहुत सारी हैं, तो इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको लिखे जाते हैं। द देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन द साउंड वी प्रोड्यूस टू से समथिंग, जैसे हम अ आ छोटी ई बड़ी ई, इसमें हर एक पे साउंड है, डिफरेंट साउंड है, जिसको बोलते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब यह ही होगा। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ यूज इन इंडिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट, हिंदी इज रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। द स्टोरी ऑफ नंबर, अब हम देखेंगे कि इंसान ने काउंटिंग और नंबरिंग कैसे सीखी। इनिशियली द अर्ली मैन यूज टू काउंट विद स्टिक्स, पहले इंसान स्टिक से गिनता था, क्या करता था, एक साइड स्टिक है, बहुत सारे स्टिक का बंच लिया, उसमें से कुछ गिन के रख दिए अलग साइड में, जितनी वो हैं उसके हिसाब से उसने काम किया। स्टोन एंड पीबल्स, दिस वॉज अ क्रूड मेथड, लेटर ऑन दे स्टार्टेड काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, को बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, तो इसके लिए उन्होंने धीमे धीमे करके इन शब्दों की खोज की। किसी को भूख लगते समय उसके मुंह से अनायास ही निकला होगा भूख, तो उस शब्द को भूख के रूप में शामिल कर लिया गया, लेकिन
समस्या यह आई अब आगे कि उसने यह बता दिया, चार लोगों को बता दिया कि मुझे भूख लग रही है, तो भूख लगते समय मैं इस शब्द को बोलूँगा, चार लोगों ने समझ लिया, लेकिन जब बहुत सारे लोगों तक इस वर्ड को पहुँचाना नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि उन चार लोगों ने और चार लोगों को पहुँचाया, उसमें चेंजेस आ गए, उन्होंने और चार लोगों को पहुँचाया, उसमें चेंजेस आ गए। इसके वजह से जैसे जैसे इसमें समस्याएँ आती गईं तो राइटिंग की स्क्रिप्ट का भी इन्वेंशन हुआ, कि राइटिंग की जो मेथड था उसका इन्वेंशन हुआ। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट क्या होती है हमारी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुनते हैं फिल्म की स्क्रिप्ट, ये वो वाली स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये अलग स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में इसमें मतलब क्या है कि अर्लियर मैन यूज टू एक्सचेंज हिज व्यूज थ्रू थॉट्स ओनली वर्बली, बट एज हिज अवेयरनेस एंड नॉलेज इंक्रीज इट बिकम डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी थिंग। Many painting have been found on cave wall, France, Spain and India over time. Symbols were used to represent word and sound. The development on sound led to the growth of script. A script is a system of writing. लिखने की जो कला है वह script कहलाती है. All languages are written in a particular script. जिस भी चीज़ को लिखने की जो कला होती है वह उसकी script कहलाती है. The earliest known script was devised by Sumerian in Mesopotamia around 4000 BC. They wrote a clay on clay tablets. वो क्या करते थे? Clay मिट्टी की एक टैबलेट यानी स्लेट टाइप से होती थी, उस पर क्या करते थे, नाइफ जैसे जैसे ये शार्प है इससे ये इस तरह से उसको खोद खोद कर उस पर लिखते थे। Their writing was V-shaped and was called cuneiform. ये जो उनकी लिखने की जो कला है वह कहलाई कीलाकृति, कीलाकार कह सकते हैं इसे, या कीलाकृति यानी कि उकेर उकेर कर शब्दों को बनाया गया। इसके लिए वो क्या करते थे, हड्डियों को नुकीला कर लेते थे, उनसे लिखते थे, या पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं, ट्री की ब्रांचेस होती हैं, उन्हें काट के नुकीला कर लेते थे और लिखते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी तरह से अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इजिप्शियन डेवलप अ लैंग्वेज हायरोग्लिफिक्स विच हैज़ द पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। इसमें क्या था, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो इजिप्शियन थे, इजिप्शियन ने एक लैंग्वेज का आविष्कार किया, क्योंकि कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उन्हें आवश्यकता पड़ी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, उन्होंने इस तरह की एक लैंग्वेज का आविष्कार किया। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डिज़ाइंस बनी हुई हैं जिन्हें कि इसमें कुछ पिक्चर्स भी हैं, तो उसके आधार पर एक दूसरे से वो विचारों का आदान प्रदान करते थे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, जैसे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसमें क्या है, ये आपको जो डिज़ाइन दिख रही है ये इसमें ए को इस तरह से बनाया जाता था, बी को इस तरह से और सी को इस तरह से, तो इस तरह से वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए ए बी सी इस तरह से पिक्चर्स में वो बनाते रहते थे, इसे हेरोग्लिफिक्स कहते थे। दे यूज्ड क्ले टैबलेट, इसके लिए वह एक मिट्टी की स्लेट या मिट्टी का टैबलेट, टैबलेट से मीन्स है कोई भी एक टुकड़ा ले लो मिट्टी का जो कि फ्लैट हो उस पर लिखते थे, या जो दीवारें होती थी उसकी गुफाओं की, क्योंकि गुफाओं में रहता था अर्लियर में स्टार्टिंग में इंसान, तो वहाँ पर उसको यूज़ करते थे। द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव सम ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट एनग्रेव्ड ऑफ देम। आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो सभ्यता है हमारी, वहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट मिली हैं जो कि वहाँ पर एनग्रेव थी। दे यूज ए पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल दैट रिजेंबल स्टाइलस, वे एक प्रकार के पेन टाइप से यूज़ करते थे, पेन होता था स्टाइलस मीन्स पेन होता था, इसमें वो उसको वो किसी भी धातु का हो सकता था, उसको वो लेते थे और उससे खोद खोद के पिक्चर्स बनाते थे दीवारों पर गुफाओं की, और स्टोन भी ले लेते थे, स्टोन से क्ले टैबलेट्स लेते थे उस पर भी बनाते थे। क्या क्या यूज़ करते थे, गुफाओं की दीवारों पर, चाहे तो वो हड्डियों का पेन बना लेते थे घिसकर उन्हें नुकीला बना के, या पेड़ों की शाखाओं को बना लेते थे और उनसे पेन टाइप से बना लेते थे, उससे गुफाओं की दीवारों पर यूज़ करते थे, या मिट्टी की स्लेट बना लेते थे उस पर लिखते थे। द ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज डिस्कवर्ड लेटर ऑन, इसके बाद ब्रह्मी लिपि है उसका, ब्राह्मी का
इन्वेंशन डिस्कवरी हुई. नाउ डेज देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर राइटिंग हिंदी. हम जानते हैं हिंदी को लिखने में देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ होता है. एंड मैनी इंडियन लैंग्वेज, और भी बहुत सारी हिंदी की भाषाएं हैं इंडिया की जिनमें कि देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ होता है. आप जानते हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? जैसे गुजराती है, गुजराती भी इसमें ही लिखी हुई है. वे इसका आविष्कार किया क्योंकि कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है. उन्हें आवश्यकता पड़ी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, उन्होंने इस तरह की एक लैंग्वेज का आविष्कार किया. इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डिज़ाइंस बनी हुई हैं जिन्हें कि इसमें कुछ पिक्चर्स भी हैं, तो उसके आधार पर एक दूसरे से वो विचारों का आदान प्रदान करते थे. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी. जैसे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसमें क्या है. ये आपको जो डिज़ाइन दिख रही है, ये इसमें ए को इस तरह से बनाया जाता था, बी को इस तरह से और सी को इस तरह से. तो इस तरह से वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए ए बी सी इस तरह से पिक्चर्स में वो बनाते रहते थे. इसे हेरोग्लिफिक्स कहते थे. दे यूज्ड क्ले टैबलेट. इसके लिए वह एक मिट्टी की स्लेट या मिट्टी का टैबलेट, टैबलेट से मीन्स है कोई भी एक टुकड़ा ले लो मिट्टी का जो कि फ्लैट हो उस पर लिखते थे, या जो दीवारें होती थी उसकी गुफाओं की, क्योंकि गुफाओं में रहता था अर्लियर में स्टार्टिंग में इंसान, तो वहाँ पर उसको यूज़ करते थे. द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव सम ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट एनग्रेव्ड ऑफ देम. आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो सभ्यता है हमारी, वहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट मिली हैं जो कि वहाँ पर एंग्रेव थी. दे यूज्ड ए पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल दैट रिजेंबल अ स्टाइलस. वे एक प्रकार के पेन टाइप से यूज़ करते थे. पेन होता था, स्टाइलस मीन्स पेन होता था. इसमें वो किसी भी धातु का हो सकता था, उसको वो लेते थे और उससे खोद खोद के पिक्चर्स बनाते थे दीवारों पर गुफाओं की, और स्टोन भी ले लेते थे, स्टोन से क्ले टैबलेट्स लेते थे उस पर भी बनाते थे. क्या क्या यूज़ करते थे? गुफाओं की दीवारों पर चाहे तो वो हड्डियों का पेन बना लेते थे घिसकर उन्हें नुकीला बना के, या पेड़ों की शाखाओं को बना लेते थे और उनसे पेन टाइप से बना लेते थे, उससे गुफाओं की दीवारों पर यूज़ करते थे, या मिट्टी की स्लेट बना लेते थे उस पर लिखते थे. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज डिस्कवर्ड लेटर ऑन. इसके बाद ब्राह्मी लिपि है, उसका ब्राह्मी का इन्वेंशन डिस्कवरी हुई. नाउडेज देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर राइटिंग हिंदी. हम जानते हैं हिंदी को लिखने में देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ होता है. एंड मैनी इंडियन लैंग्वेज, और भी बहुत सारी हिंदी की भाषाएँ हैं इंडिया की जिनमें कि देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ होता है. आप जानते हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? जैसे गुजराती है, गुजराती भी इसमें ही लिखी हुई है, और भी बहुत सारी हैं, तो इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको लिखे जाते हैं. द देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन द साउंड वी प्रोड्यूस टू से समथिंग. जैसे